डॉलर के निर्यात उद्योग को आने वाली सरकार से ढेरों उम्मीदें हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में ये सेक्टर 7% और कंट्री मर्चेंडाइज निर्यात में 15% का योगदान देता है। जयपुर में इंडिया जेम स्टोन वीक में शिरकत करने आए जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता अंकित तिवाड़ी ने। हमारे साथ ज्वेलरी सेक्टर के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जीजेईपीसी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी मौजूद हैं। इस समय चैलेंज है जयपुर की ज्वेलरी के सामने, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड ये ऐसी ज्वेलरी बना रहे हैं जो कि बेहद लाइटवेट भी है, सस्ती भी है और वहाँ अगर बात की जाए लागत की तो वहाँ पर भार भी कम है। क्या चैलेंजेस आप मान रहे हैं वर्तमान में? पर हमारे सामने जो है चैलेंज, हम जो जीजेईपीसी भी ज्वेलरी पार्क ला रही है, उस ज्वेलरी पार्क में हम जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर लेके आएंगे और जो 2400 यूनिट उसमें आएगी, 14,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्ट करके जो वो यूनिट्स आएगी, तो हम लोग जो है उसमें जो भी हमारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी अपग्रेड करेंगे। मिनिस्ट्री के साथ में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी आ रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री में मदद कर रही है। चुनावी सीजन है, जाहिर है आप पूरे देश भर में ज्वेलर्स की आवाज हैं, मुखपत्र हैं उनका, जीजेईपीसी हमेशा उनकी बात उठाती रही है। चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी उससे आप क्या उम्मीदें मानते हैं, क्या क्या चीजें वो प्राथमिक तौर पर ज्वेलर्स के लिए करनी चाहिए? हमें आशा है कि सरकार जो है एक तो कस्टम ड्यूटी हमारी गोल्ड पे जो है वो कम करेगी, डायमंड और कलर स्टोन पे जो हाल ही में 2.5 से 7.5% किया है हमने सरकार से मांग की है, तो हमें आशा है कि चुनाव के बाद में उसको जरूर कम करेगी। प्रमोद जी, जब भी ज्वेलरी सेक्टर की बात आती है तो जाहिर है लोगों का ध्यान एक मोटे मुनाफे पर भी रहता है और सरकार का भी फोकस रहता है कि भारत निर्माण में, जैसा आपने कहा कि टैक्स बेहद महत्वपूर्ण है, टैक्स की अगर बात करें तो किस तरह की रियायत है, क्योंकि ज्वेलर भी चाहते हैं कि कारोबार भी तेज बढ़े और टैक्स की जो दरें हैं, नियम है, वो उनका भी सरलीकरण हो। जो सरकार सरलीकरण तो कंटिन्यू कर ही रही है, वन नेशन वन टैक्स आया, इससे बहुत हमारा काम करने में थोड़ा इजी हुआ है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो अभी बहुत जल्दी हमको उसकी रिकॉर्ड मिलेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए थे प्रमोद अग्रवाल। जीजेईपीसी लगातार कोशिश कर रही है कि देश का जो ज्वेलरी सेक्टर है उसे नई दशा और दिशा मिले, उम्मीद है जयपुर का सेक्टर भी इसी के साथ आगे बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट देव प्रकाश के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।